जहाँ तक है मेरा पहला सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छा था और चाहूँगा कि नेक्स्ट भी हमारा यहीं पे हो. इज रियली गुड एंड वेरी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हियर. तो अगर हम किसी भी एक भी बच्चे को अगर ट्रिगर कर पाए, मोटिवेट कर पाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. हमारे जो KVS में जो होता है उसका एक फिक्स पैटर्न है कि डेमोलेशन करना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे कुछ डिफरेंट हमें लर्निंग बाय डूइंग से किया है हमने. अगर ये कोर्स दोबारा हुआ तो मैं आना चाहूँगी, कम से कम मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल. दिस हैज बीन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई थैंक डॉक्टर मनीष जी एंड हिज टीम. वैसे तो पहला इन सर्विस है, मुझे बता रखा था कि आपको इन सर्विस में इतना सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आके ऐसा कुछ नहीं था. हमने जो सीखा तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हम आगे जाके भी वो बच्चों को सिखा सकते हैं. पहले क्या था, जो टीचर्स हमारे साथ थे वो पहले कर चुके हैं, वो बताते हैं कि आप सिर्फ वहीं सीखेंगे और वहीं भूल जाएंगे. यहाँ पर ये है कि हम यहाँ सीखेंगे और आगे भी उसका यूज़ कर सकेंगे. पिछले 10 दिनों में जो हमने यहाँ पर सीखा है उसमें मुख्य बात ये निकल के आई है कि मैथ्स को और ज़्यादा रोमांचक कैसे बनाएं. बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट से डरते हैं. डरने का कारण ये है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है. हम रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करने की बात करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं जब हम नंबर और इक्वेशन को डील करते हैं. लेकिन यहाँ जो हमें सर मिले, मनीष सर, रवि सर, नीरज, पंकज, सभी ने एक चीज़ पे फोकस किया कि हमें कैसे भी हो हमें बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी में कुछ ना कुछ जाकर मोटिवेशन देना है. सीइंग आवर एंटायर सिलेबस इन आवर हैंड्स, सो आई थिंक इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक वी नीड टू इंपार्ट दिस इन आवर क्लासरूम सो दैट आवर चिल्ड्रन need not cram only the textbooks. They can see the concepts in their hands. They can see the concepts being built in front of them. And that is a highlight of this session. Last workshop in my, service tenure, because I am going to retire after 3 years. And really it was different from all the in-service courses. I attended 7 courses in KVS. But it was different from all the courses. And we learned a lot from this course. Previously, I have attended 3 such these in-service courses. Now this one is 4th in-service course for me. And the previous courses, we used to just concentrate upon the content of the textbook and the transaction strategies. But here what the main thing I feel the difference is, so everything is given in our hands and some things we had to imagine and the concrete things could not be given. Now it's exactly we can give, suppose everything is through some activities, the paper folding activities, some other these carving activities, this exact transaction goes there. They say route 2, paper folding mein kaise banwana, so haath mein aa gaya. Route 5 kaise banana, wo haath mein aa gaya. So pentagon, hexagon or plexagon, isi tarika jo hum log itna kahe hain, such mein I will say this, and it has given some concrete concept to all the imaginary concepts. Pehle to sab socha tha ki in service course mein matlab as usual jo hamare KV mein hota hai, जो पारंपरिक गतिविधि वही होगी, लेकिन जब यहाँ पर आया वो जब यहाँ पर आया तो मनीष सर को तो देखते से ही बिल्कुल जो एनर्जी लेवल है मेरा वो बिल्कुल हाई हो गया. भाई बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे सर है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसके पहले भी उनकी एक वर्कशॉप मैंने KVZ मुंबई में अटेंड की थी, तो उनको देख कर तो बहुत ही उत्साह आया और मुझे भी पक्का यकीन हो गया कि ये जो इन सर्विस कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा, और वाकई में हुआ भी वैसे ही. When I attended this course, the first day I felt that there will be definitely something new to learn. And as I went learning from one day to another, I felt that there are so many new things that we have heard about, but we have not done it. We teach the kids, but we have not done it actually. And then when we have done it, it has actually activated so many different parts of our brain that, you know, we felt exhilarated and then
we are now filled with new energy and vigor, and we know there is a different approach to every aspect. We were going only through the textbooks and only following the textbook method, but we now, every concept has got different approaches, and we will try these new methods. And perhaps somebody who is not very interested in the textbook may learn in this way, and that's why the learning will take place definitely better. The workshop is really unique in feature, because when we reached here, we thought that the routine procedure we are following will be also followed there. From the very first day of the workshop, we experienced that this time we are going to do something different. Approach is different, and the way of attending the classes, the way of demonstration was also very unique. So many things we are teaching in our day-to-day teaching learning process. What we miss, that is creativity, that is recreational value of the mathematics, and mass involvement of the students. It is a first of a kind experience, means altogether different perception of in-service courses we have perceived over here. It's really fruitful to all of us. So yahan pe aane se bahut hi zyada fayda hua hai, aur iske alawa hum bachcho ko bhi same activities ko sikhana chahiye. Aur in future agar aise workshop hoti hai to hame bahut acha lagega, hum participate. All the good things that we have learned here to implement in our teaching learning process. Ye workshop bahut hi फायदेमंद रहा है, और जब भी मौका मिलेगा, जितनी बार भी मौका मिलेगा, ये वर्कशॉप को करना मैं बहुत पसंद करूँगा।